अबाउट ए बी ओ यू टी अबाउट हिंदी में अर्थ के बारे में लगभग या करीब तो चलिए इस शब्द को तीन अलग अलग सेंटेंसेस में यूज करके देखेंगे और उसका भाव समझेंगे पहला सेंटेंस है आई एम थिंकिंग अबाउट सिया मैं सिया के बारे में सोच रहा हूँ आई एम थिंकिंग अबाउट सिया अबाउट मतलब के बारे में मैं सोच रहा हूं आई एम थिंकिंग किसके बारे में सिया के बारे में यानी अबाउट सिया तो यहां पे अबाउट का मतलब हुआ के बारे में अगला सेंटेंस देखते हैं वी कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट इट हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं वी कैन नॉट डू एनी थिंग किसके बारे में इसके बारे में अबाउट इट ठीक है तो ये एक और तरीके से इस्तेमाल करके देखा हमने अबाउट को अब जाते हैं अपने अगले सेंटेंस पे द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज अबाउट हंड्रेड फीट अब यहां पे देखिए पिछले दोनों सेंटेंसेस से अबाउट शब्द का अर्थ थोड़ा अलग है यहां पे उसका अर्थ बन रहा है लगभग इस इमारत की ऊंचाई लगभग सौ फीट है द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज अबाउट हंड्रेड फीट अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि आपको पता है कि इस बिल्डिंग की हाइट 100 फीट के करीब है ठीक ठीक नहीं पता लेकिन इतना अंदाज़ा है कि 100 फीट है करीब तो तब आप यहाँ पे अबाउट शब्द का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ अबाउट हंड्रेड फीट अगर आपको पक्की तरह से पता होता तो आप ये भी कह सकते थे द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ हंड्रेड फीट लेकिन आप कह रहे हैं कि लगभग सौ फीट है तो इसलिए आप कह रहे हैं अबाउट हंड्रेड फीट अगर मान लीजिए किसी की उम्र आपको सही से ना मालूम हो लेकिन अंदाजा हो कि करीब 25 साल है तो आप कह सकते हैं कि हिज एज इज अबाउट 25 फाइव ईयर्स ठीक है